बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू गिव द लेक्चर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर क्लास टू। ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ मार्जिन लाइन, मेंशन क्लास वर्क, डेट एंड डे एट द टॉप ऑफ द पेज। हमारा चैप्टर नंबर 5, हम जो है वो इसे रीड कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम जो है वो उसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे आज। चैप्टर नंबर 5, उसका नेम है द मुला सन, मुला का बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई हम जो है वो करेंगे। ए बी सी डी हम करवा चुके हैं और आज हम ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट है कि व्हाट डिड द मुलाज वाइफ, व्हाट डिड द मुलाज वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड टू गो टू रफीक्स, सॉरी, व्हाट डिड द मुलाज वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड टू डू। मुला की बीवी ने अपने शोहर को क्या करने के लिए कहा, तो उसने क्या कहा था? इसका आंसर है शी सेज टू गो टू रफीक्स, रफीक के पास जाओ। रफीक कौन था? उसका बेटा। उसने कहा कि रफीक के पास जाओ, स्पीक टू हिम स्वीटली, नरमी से या मिठास से उससे बात करो, एंड आस्क हिम टू कम फॉर हिज डिनर। और डिनर आपको पता है कि रात के खाने को कहते हैं, तो उसने कहा कि उसको कहो कि रात के खाने पर आए। ठीक है, मैं अब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको, उनके स्पेलिंग आपको कर देती हूँ। मुलाज वाइफ, एम यू डबल एल ए एस, मुलाज वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ, आस्क्ड ए एस के ई डी आस्क्ड, हस्बैंड एच यू एस बी ए एन डी हस्बैंड, रफीक्स आर ए एफ आई क्यू एस रफीक्स, स्पीक एस पी ई ए के स्पीक, स्वीटली एस डब्ल्यू डबल ई टी एल वाई स्वीटली, कम सी ओ एम ई कम, डिनर डी आई डबल एन आई डी आई डबल एन ई आर डिनर। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पर आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर। ए पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर, द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द करेक्ट प्लेस। कहते हैं कि पहला जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर है, लेकिन कुछ उन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं और वो कहते हैं उन पार्ट्स को अगर आप देखें तो एक कंप्लीट स्टोरी, एक कंप्लीट जो है वो सेंटेंसेस जो हैं वो बनाएं। ऊपर देखेंगे तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपको नज़र आएंगे। तो सबसे पहला आपने स्टोरी रीड की है, स्टोरी को रीड करते हुए जो है उसको अरेंज करना है। तो ए से लेकर एच तक जो है वो पार्ट हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो उन्होंने अरेंज करके दिया हुआ है, वो है देयर वाज अ वेरी फनी मैन एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार पर एक बहुत मजाकिया शख्स था। अच्छा जी, नेक्स्ट अब क्या सेंटेंस आएगा? अब उसका नाम बताना चाहिए ना हमें, तो उसका नाम क्या था? द मैंस नेम वॉज मुला दो प्याज़ा, मतलब उसका जो है नाम उसका बताएंगे। पहले उसको बताया कि अकबर के कोर्ट में जो है एक मजाकिया शख्स था, उसका नाम बताया। नंबर 1 जो है ए आएगा, नंबर 2 पर जो है वो ई पार्ट आएगा, नंबर 2 पर ई पार्ट आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या है? द मुला हैड अ सन हु वाज 6 ईयर्स ओल्ड, मुला का एक बेटा था जिसकी उम्र 6 साल थी, ये थर्ड पर आएगा। तो मतलब फर्स्ट जो है ए पार्ट आएगा, नेक्स्ट ई पार्ट आएगा, नेक्स्ट डी पार्ट आएगा, अरेंज करके आपने लिखना है। नेक्स्ट है वन डे द सन बिहेव्ड वेरी बैडली, एक दिन उसका जो बेटा था वो बहुत बुरी तरह बिहेव कर रहा था। और एच पार्ट जो है वो फोर्थ नंबर पर आएगा, एच पार्ट जो है वो फोर्थ नंबर पर आएगा। देन His mother chased him, उसकी माँ जो है वो उसके पीछे पीछे उसको जो है वो उसको समझा रही है, उसको चीख चिल्ला रही है। ठीक है, और बी पार्ट जो है वो आएगा फिफ्थ नंबर पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिक्स पार्ट पर, सिक्स पार्ट है द बॉय हाइड अंडर हिज बेड, उसने जो है वो अपने आप को बेड के नीचे छुपा लिया।
और सिक्स पर जो है वो एफ आया है। नेक्स्ट सेवन्थ है द मुला कम होम एंड वेंट टू टॉक टू हिज सन। मुला जो है वो घर आया और उसने अपने बेटे से बात की। नेक्स्ट सबसे लास्ट पे आएगा ही ज्वाइंड हिज सन अंडर द बेड। उसने जो है वो अपने बेटे के साथ कंपनी ज्वाइन कर ली बेड के नीचे ही। तो आप मैं आपको अरेंजमेंट दोबारा बता दूँ, ए पार्ट हमारा फर्स्ट है, ई पार्ट हमारा सेकेंड है, डी पार्ट हमारा थर्ड है, एच पार्ट हमारा फोर्थ है, बी पार्ट हमारा फिफ्थ है, एफ पार्ट हमारा सिक्स्थ है, सी पार्ट हमारा सेवन्थ है और जी पार्ट है एट। अगर हम ये अरेंजमेंट करें तो हम जो है वो एक प्रॉपर स्टोरी जो है वो बना लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पेज नंबर 37 पे पार्ट बी है जो आपका होमवर्क है, ठीक है। पार्ट बी जो है वो आपका होमवर्क है और ये आपने अपनी कॉपीज़ पे करना है। इसको इन वर्ड्स को जो है और फ्रेजेस को सेंटेंसेस में चेंज करना है, ठीक है। सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। थैंक यू सो मच और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।